हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो एप्पल आईफोन 15 सीरीज़ की एप्पल आईफोन 15 सीरीज़ के स्मार्टफोन के बारे में लीक्स एंड रूमर्स आ रहे हैं कि क्या उनके जो स्पेशल होने वाले हैं, क्या उनमें यहाँ पर आप कॉन्टर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा, क्या उनके स्पेशल होने वाले लीक्स एंड रूमर्स अभी तक आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर मैं ऑल डिटेल आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला अगर आप यहाँ पर आईफोन 14 सीरीज़ का वेट कर रहे हो, 2023 के अंदर जो एप्पल आईफोन 15 सीरीज़ का वेट कर रहे हो। तो अगर आपने अभी तक यहाँ नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो आपके डेस्क पर मैं रेगुलर बेसिस पर लेकर आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी से लाइक कर दो। तो यहाँ पर आपको 2023 के फ्लैगशिप जो पावरफुल आईफोन 15 सीरीज के, तो यहाँ पर आपको सभी स्मार्टफोन में यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट रहेगी, है ना। तो यहाँ पर आपको उसके साथ ही गाइस यहाँ पर आपको जो प्रो मॉडल होंगे उनमें यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट रहेगी, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी प्रो मॉडल प्रो मैक्स आईफोन 15 प्रो मैक्स में देखने मिल सकती है। अभी तक लीक्स एंड रूमर्स जैसा कि दावा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा का पूरा आईफोन का लुक ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये देखने वाली बात होगी रियल लाइफ में। तो ब्राइटनेस रहेगी यहाँ पर आपको 1000 निट्स से यहाँ पर आपको 15000 निट्स की ब्राइटनेस रह सकती है एंड यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एप्पल यानी प्रोवाइड करेगा एंड यहाँ पर आपको सैमसंग जो E7 डिस्प्ले का यूज़ किया जाएगा जो एप्पल के जो आईफोन 15 सीरीज। अब यहाँ पर गाइस आप सोच रहे हो कि भाई जो एप्पल आईफोन 15 सीरीज है उसमें चिपसेट कौन सा यूज़ हो। अच्छा, हमको सिखा दिया है होगा। तो यहाँ पर आपको लीक्स एंड रूमर्स से अभी तक पता लगा है कि यहाँ पर आपको जो एप्पल आईफोन 14 सीरीज में यहाँ पर आपको एप्पल बायोनिक जो A70 जो आपको चिप देखने में लगेगी जो कि 6G को सपोर्ट करेगी, 6G को सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर आपको 5G के अब पूरे कंप्लीट आपको मॉडर्न देखने मिलेगा एंड 6G जो कि आपको यहाँ पर फ्यूचर में 2030 तक आने वाला है। तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट होगी कि अगर आप यहाँ पर यानी 5 साल आगे के लिए कोई प्लान कर रहे हो स्मार्टफोन में यानी 6G आ जाए तब भी हमें यहाँ पर उस नेटवर्क को यूज़ करना है, तो ये आपके लिए बेटर रहेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको मिंग चिंग को क्लेम कर रहे हैं, उसकी वजह से गाइस यहाँ पर आपको अल्ट्रा हाई फ्रेम ग्राफिक्स पर आप यहाँ पर वीडियो प्ले कर पाओगे एंड यहाँ पर आपको एप्पल ने पहले ही यानी वर्क कर लिया है कि यहाँ अपनी एप्पल आईफोन 15 सीरीज में हमें यहाँ पर आई जो 6G तो प्रोवाइड करना ही है। सबसे ज़्यादा आईफोन जो लोग खरीदते हैं उसका रीज़न एक है ये भी है कि कैमरा के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको आईफोन 15 सीरीज की इंडिया में लॉन्च होते ही टक्कर होगी जो वीवो X90 सीरीज़ के साथ एंड यहाँ पर आपको सैमसंग गलेक्सी S23, S24 अल्ट्रा एंड OnePlus 11 सीरीज। अगर ये आईफोन 15 सीरीज इसको कंप्लीट कर देती है नई स्मार्टफोन तो फिर तो यहाँ पर आपको ये मार्केट में अच्छा खासा टिक जाएगी। नहीं कंप्लीट कर पाती है तो फिर वो देखने वाली बात होगी कि लोग इसे प्रेफर करते हैं यानी नहीं प्रेफर। आपको जो एप्पल आईफोन 15 सीरीज में यहाँ पर आपको गिम्बल स्टेबलाइजेशन OIS प्रो मॉडल्स में देखने मिलेंगे एंड यहाँ पर आपको कैमरा का साइज और थोड़ा बड़ा किया जाएगा एंड कैमरा टेक्नोलॉजी पर और यानी वर्क किया जाएगा जिससे यहाँ पर आपको कैमरा की क्वालिटी यानी काफ़ी बेस्ट की जाए एंड यहाँ पर आपको 50,000 से 40,000 रुपये की प्राइस में OIS मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको तो इतने फ्लैगशिप कैटेगरी में जो स्मार्टफोन आ रहे हैं एप्पल आईफोन 15 सीरीज तो उनमें क्यों नहीं होगा। तो ये एप्पल इस बार करने वाला है, ऑल कैमरा फिल्टर रहेंगे एडवांस ही टेक्नोलॉजी के देखने में मिलेंगे। वो बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करें यानी इसके लुक की बात करें तो यानी अभी तक तो ज़्यादा इसके कुछ यहाँ पर फोटो एंड जो इमेजेस हैं वो ज़्यादा लीक्स नहीं हुए हैं एंड इसका जो कन्फर्म डिज़ाइन है वो अभी तक लीक नहीं हुआ, बट यहाँ पर आपको इसकी लीक्स एंड रूमर्स से जो आपको मैंने फ़ोटो आई हैं उनको मैंने इंस्टाग्राम पर यानी पोस्ट कर रखा है, वहाँ पर आप उसको वहाँ पर इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिस्क्रिप्शन पर आकर फॉलो करके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इसके रियल जो रेंडर्स आए हैं जो आईफोन 15 सीरीज के। डिज़ाइन भी काफ़ी न्यू होगा एंड यहाँ पर आपको जो यानी साइज़ में डिस्प्ले की साइज़ में वो कब और देखने वाली बात होगी यानी कितना कितना इम्प्रूवमेंट किया जाता है बिल्ड एंड डिज़ाइन के अंडर। एंड गाइस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर आपको पहली बार एप्पल आईफोन 14 सीरीज की बजाय यहाँ पर आपको एप्पल आईफोन 15 सीरीज में यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलेगा जो कि सबसे मेन अपग्रेड होगा आईफोन जो 15 सीरीज में। तो यहाँ पर आपको ये काफ़ी अच्छी बात है एंड यहाँ पर आपको एप्पल इस बार चाह रहा है कि वो अपनी फास्ट चार्जिंग को इम्प्रूवमेंट करे यानी 120 वॉट
एंड 200 वॉट, बिकॉज इस प्राइस रेंज में यानी फ्लैगशिप जो अदर ब्रांड स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो 1 लाख से नीचे स्मार्टफोन यानी अपने स्मार्टफोन को उतारती है इंडिया में, वहाँ पर आपको 200 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। तो एप्पल तो यहाँ पर आपको 1 लाख पार ही अपने स्मार्टफोन यानी आईफोन को लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर आपको एप्पल यानी चाह रहा है कि वो अपने स्मार्टफोन में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करे एंड प्रोवाइड करनी भी चाहिए जस्ट, एंड फास्ट चार्जिंग एंड लॉन्ग बैटरी आपको देखने मिल सकती है। लीक्स एंड रूमर से आ रहे हैं जो लीक्स वेरिएंट एंड प्राइस की बात करूँ तो गाइस इस बार यहाँ पर आपको एप्पल आईफोन 14 सीरीज में जो 4 से 5 TB का वेरिएंट भी मिल सकता है, लीक्स एंड रूमर से आ रहे हैं अभी तक तो ये खबर, बिकॉज यहाँ पर आपको यानी कैमरा में इतना ज़्यादा अपग्रेड होगा तो यहाँ पर आपको 10 से 15 GB की रैम भी आपको देखने मिल सकती है, जहाँ पर आपको 6 GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट इन सबका ऑप्शन आपको भी देखने मिला। प्राइस की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको यानी 1,30,000 रुपये के समथिंग आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स देखने लिए मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पर आपको आईफोन 15 सीरीज में फ्यूचर में जो आपको स्पेशल देखने लिए मिलते हैं एक्सपेक्टेड वो आपको मैंने इस वीडियो में बताए, एंड आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हो एप्पल आईफोन 15 सीरीज के वो कमेंट बॉक्स में अपने आप जरूर से बताना। ऐसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं मिलता हूँ आपको न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस स्माइल एंड जय हिंद।